बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। स्कूल खोलने के बारे में महमूद शफकत साहब ने क्या अहम फ़ैसला किया है? आज 7 तारीख की मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या किस तारीख का ऐलान किया गया है, किस किस क्लास ने स्कूल में आना है, किन बच्चों को बुलाया गया है, ये अहम फ़ैसले किए गए हैं तो ये मैं आपको बताऊँगी और बाकी और बातें भी होंगी आपसे। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और स्किप मत कीजिएगा। और मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने हेल्प करनी है वॉच टाइम पूरा होने में, तो साथ साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, कमेंट्स भी कीजिएगा प्यारे प्यारे, और इसके अलावा आपने वीडियो को शेयर भी करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, फैसले तो किए गए हैं खोलने के स्कूल, और किन किन क्लासेस को खोला जाएगा और क्या अहम बातें हुई हैं, फैसले हुए तो उसके लिए ये हुआ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी 15 सितंबर से। तो स्कूल जो हैं वो अभी नहीं, लेकिन दूसरे मरहले में जो है वो 8 क्लास से जो है वो स्कूल खोले जाएंगे। 8 क्लासेस को बुलाया जाएगा, 8 से 9, 10 तक, और फिर उसके अगले जो तीसरा मरहला है उसमें जो है वो 5th क्लास से लेकर 7th तक को बुलाया जाएगा। तो बाकी जो है वो अगले महीने पर जो है मौकूफ़ कर दी गई हैं क्लासेस। तो ये जो है इससे जैसा भी हुआ कोरोना की वजह से, हिफाजती इंतज़ाम की वजह से जो भी हुआ, लेकिन ये हुआ कि बच्चों की तालीम का जो है वो बहुत हर्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किसी के पास तो कंप्यूटर नहीं है, वाईफाई की सहूलत नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, जिससे वो बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स में जो क्लासेस की टीचर्स ने जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनके ज़रिए वो उनको पढ़ा रही हैं, तो ऐसा हो जाए तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, सबके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत सारे बच्चों की तालीम का हर्ज हो गया और बच्चे नालायक हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं रग़ब हो रहे। तो अब ये होगा कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और पेपर्स की डेट तो वही होगी, शायद आगे पीछे ना की जाए तो। लेकिन बच्चों को जो है तालीम की तरफ दोबारा लाना जो है एक बहुत बड़ा मरहला है, और ये जो है वो हम सब ने मिलकर करना है अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अब आपने ये करना है कि बच्चों को माइंड बनाएं, उनका पढ़ने की तरफ लेके आएं, उनको रागिब करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो अहम फ़ैसला हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, स्कूल नहीं खुल रहे। तो क्योंकि मैंने आपको सच बोल दिया, बाज़ वीडियोज़ में ऐसा होता है कि उसका जो टाइटल होता है वो कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है, तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको सच बताया, जो फैसला हुआ अब तक पहुंचा दिया। तो प्लीज़ एक लाइक बनता है इसके लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।